दोस्तों ये बात आपको पता है कि 14 अक्टूबर में जो मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, उस मैच को इंडिया ने वन साइडेडली हरा दिया पाकिस्तान को। लेकिन उस मैच के बाद पाकिस्तान का कोच ये बोल रहे थे कि ये किसी भी तरह का एक आईसीसी इवेंट नहीं लग रहा है, ये एक बीसीसीआई इवेंट जैसा लग रहा है। और साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि मैं यहाँ पर दिल दिल पाकिस्तान का नारा या फिर सॉन्ग नहीं सुन पाया। लेकिन उनको कोई बताया कि ये इंडिया है और इंडिया की धरती पर दिल दिल पाकिस्तान कैसे बजेगा, यहाँ पर तो सिर्फ जय श्री राम का ही नारा चलता है। वो इस बात को लेकर आईसीसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब एक्स इंग्लैंड क्रिकेटर माइकल भगवान ने इनडायरेक्टली पाकिस्तानियों को ट्रोल कर दिया। उन्होंने कहा कि मैच के बीच में रोहित शर्मा ने डीजे ऑपरेटर को जाके बोला कि दिल दिल पाकिस्तान मत लगाओ, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर सुन लेंगे और वो मोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर वो इंडिया को इजीली हरा देंगे। वेल आप इस बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।